नमस्कार दोस्तों, ऑल लाइट से अमरजीत पतंगों की दुनिया में आज सराय खान पे आपको ले आया हूँ। कहते हैं जब पतंग उड़ती है तो कट जाती है, उसे लेकर इनकी जिंदगी जिंदगी पतंग वालों की कैसे कट रही है, आइए हम दिखाते हैं इस और पतंग की दुकान। दिखाई हमने आपको पतंग की दुनिया, पतंग की दुकान सराय खान पे। इनाम अली जी की दुकान है, ये ऑनर है दुकान के। इनकी कैसी रोजी रोटी चल रही है, क्या फर्क पड़ा है, आइए जानते हैं इनसे मिलकर और लाइट के माध्यम से। नीचे चैनल बताते तो आइए हम इनको रूबरू कराते हैं। सर जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम है इनाम अली। इनाम अली जी, क्या फर्क पड़ रहा है दुकान से? देखिए जब से लॉकडाउन लगा है और इस देश के अंदर ये स्थिति हो गई है और जो हालात, जो देश के हालात इस बीमारी से खराब हुए हैं, इस बीमारी से हम सबको लड़ना है और हम सबको लड़के इसको भगाना है। और ये चीज़ें तो आती रहती हैं और जाती रहती हैं, बीमारियाँ हैं तो आती जाती रहती हैं और इससे कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी को बड़ी हिम्मत होती है। आज कारोबार के ऐसे हालात हैं, कुछ दिन के बाद हालात मतलब सही हो जाएंगे और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का और बड़े बड़े अधिकारियों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। सबसे बड़ा हाथ हमारा यहाँ पुलिस का इसमें सहयोग है और पुलिस का सहयोग इतना बड़ा है कि पुलिस जो है यहाँ पे लोगों में ज़्यादा लोगों को खड़ा नहीं होने देती है। और देखिए ये मेरे कस्टमर हैं। देखिए हम लोग किसी दूरी से बैठे हुए हैं और मैं बरेली के लोगों से कहना चाहता हूँ कि दूरी बना के रखें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और बार बार अपने हाथों को अपने धोएं ताकि आप और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और आप देखिए कारोबार की बात कहती है, कारोबार तो अप डाउन रहता है, कारोबार तो कुछ नहीं मतलब रहती है। आज बीमारी है, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, इस बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है और लड़ना सबको, हर हिंदुस्तानी को लड़ना है और इसको अपने देश से भगाना है। और आधे ज़्यादा इसको अपने देश से भगा दिया, कुछ दिन के बाद हम लोग पूरे तरीके से हर हिंदुस्तानी इसको मार मार के, इससे लड़ लड़ के इसको यहाँ से भगाएगा। और हमारे देश के अंदर कोई भी आदमी इंटरफेयर करेगा, चाहे वो सेना हो, चाहे कोई भी देश हो, कोई भी उंगली उठाएगा उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। और अगर सेना कम पड़ेगी तो फिर हम लोग अपनी दुकान छोड़ कर सड़क पर जाकर लड़ेंगे और एक एक को सबक सिखाएंगे कि हिंदुस्तान से मतलब कैसे बात करना चाहिए और हिंदुस्तान से एक सीख लेना चाहिए। हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा और यहाँ का एक ऐसा एक वो है कि यहाँ हर तरह के फूल मिलते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं। और ये तो कारोबारी बात है, तो आती जाती रहती है। कारोबार की हालत आज खराब है तो अल्लाह सही कराएगा और लोग लगे हुए भी हैं और गवर्नमेंट का देखिए कितना बड़ा नुकसान है इसके अंदर, फिर भी गवर्नमेंट कह रही है कि अपने हाथ धोके रखें, अपने साफ सफाई रखें, अपने हाथों को बार बार और जहाँ भी खड़े हों ज़्यादा भीड़ ना लगाएं, थोड़ी दूरी बना के रखें। आपका घर सब लोग सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, बढ़िया रहेंगे और इससे फासला बना के रखें। देखिए इनाम अली जी से हमने आज बात करी, इन्होंने कहा है कि दूरी बना के रखिए, सैनिटाइजर हाथों को करिए, हर दुकानदारों को ये करना चाहिए। मैं अमरजीत सिंह, दिल्ली के लिए ऑल इंडिया न्यूज़ से, बरेली।